कभी कभी क्या होता है कि इतिहास में कुछ ऐसे लोग आते हैं। सुषमा स्वराज जी अब नहीं रही, आप लोगों ने सुना होगा। कल से मैं भी जब शाम को ये घटना सुनाई दी तब से न मन लग रहा था न कुछ लग रहा था, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग आपकी लाइफ को इंस्पायर करते हैं। सुषमा स्वराज जी हमेशा इतनी अच्छी वक्ता थीं कि उनको सुनने में इतना अच्छा लगता था। कभी सदन में बोलती थी तो अच्छा लगता था। या एक जो स्नेह होता है अपनी जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति, कभी आप लोगों ने सुना होगा जब विदेश मंत्री रहती थी, विदेश मंत्री थी वो जिस टाइम पे, यदि विदेश से कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो उनका हमेशा ट्वीट आता था और हमेशा बोलती थी कि मैं हूँ, मैं बचाऊँगी, मैं करूँगी। मतलब कुछ मतलब अलग ही लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे लीडर्स तो बहुत देखते हैं आप लोग, लेकिन लाइफ में जैसे अटल जी थे, अटल जी के बाद डॉक्टर कलाम साहब थे, उसी श्रेणी में सुषमा जी। और जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर उनके हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अपनी भाषाओं को लेकर यूनाइटेड नेशन में भी जा कर के उसी गर्व के साथ बोलना, तो बहुत कम लोग पैदा होते हैं। ऐसी हस्तियां जो हैं आपको जीवन में बहुत प्रेरणाओं से भर सकती हैं। एक बार जो है आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये महापुरुष ऐसे होते हैं ना कि जब इनका काम पूरा हो जाता है, आप देखिए इतने बड़े पॉलिटिकल विंग में होते हुए, इतनी बड़े ऊंचे पद पे होते हुए, इस बार का जब चुनाव हो रहा था तो सुषमा जी ने मना कर दिया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। रीज़न क्या था उसके पीछे का? ऐसा नहीं कि वो जीतेंगी नहीं या कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है जिस कारण से मैं अपने संसदीय क्षेत्र में अपना समय नहीं दे पाऊंगी, जिस कारण से। देखिए ये कितनी बड़ी बात होती है किसी भी, नहीं तो आज के समय जो महत्वाकांक्षी युग है तो कुछ ही लोग होते हैं, बहुत कम गिनी चुनी संख्या में हैं ऐसे लोग जो आते हैं और अपने कार्यों से लोगों को कृतार्थ कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब सदन में विपक्ष की नेता थी उस समय उनको सुनिए, महिलाओं में महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिलाओं में जो उनकी बोलने की शैली थी, अच्छे अच्छे लोग उनके सामने सुनते थे उनको, विपक्ष में रहते हुए भी। तब बहुत कम संख्या हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, वो विपक्ष की नेता नहीं तो बहुत कम संख्या होती, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दों को ऐसे बेबाकी के साथ रखती थी कि लगता था कि हाँ कोई बोल रहा है, इनको सुनना चाहिए। ठीक है, जब अटल जी बोलते थे सदन में, एक समय था जब अटल जी तो बहुत बढ़िया वक्ता थे, जब वो बोलते थे तो भी सदन सुनता था पूरा, बोलते थे रुको पहले इनको सुनो कितना बढ़िया बोल रहे हैं। तो कभी कभी मतलब अभी आज कल की बात बता रहा हूँ, कल जब ये अचानक से सुनाई दिया कि क्योंकि ये अप्रत्याशित था, किसी को नहीं लग रहा था कि ऐसी चीज़ें होंगी। रिटायरमेंट चूँकि ये बहुत अच्छा लगता है, कुछ पार्टियाँ भारत की ऐसी हैं जिन पार्टियों में समय के साथ साथ इन चीज़ों को भी महत्व दिया जाता है कि आपका राजनीति में भी होना चाहिए, है ना, कि एक समय के बाद आपको प्रॉपरली अब आप अगली पीढ़ी को मौका दीजिए। ऐसा ना हो कि आप ही, है ना, जैसे क्रिकेट में संन्यास का होता है ना, मैं तो कहता हूँ राजनीति में भी प्रॉपर हर चीज़ का रिटायरमेंट होता है, होना चाहिए। तो रिटायरमेंट जब उन्होंने लिया तो ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है, मार्गदर्शन इनका मिलता रहेगा, और ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट क्यों ले लिया, अजीब सा लग रहा था। जैसे जेटली साहब चले गए, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, पार्टी को बोला कि इस बार मैं सेवा नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी भी स्वास्थ्य की दिक्कत थी। सुषमा जी का भी अचानक पता चला, तो ऐसा लगा कि अब इनकी सेवाएं राष्ट्र को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये था कि मार्गदर्शन में रहेंगे, लेकिन अचानक से जो कल अचानक हुआ, चलिए ठीक है, जीवन का ये सत्य है कि एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन जब ऐसे लोग जाते हैं तो राष्ट्र की क्षति होती है, राष्ट्रीय क्षति होती है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी देखा जाए ओवरऑल, तो बहुत ज़्यादा एज नहीं हो गई थी जो प्रॉपर, हाँ ये बहुत ज़्यादा एज नहीं कही जाएगी, ऊर्जावान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उम्र नहीं। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब को देखिए कितने ऊर्जावान हैं, अभी लगता है कोई, हम लोग जो है इतने युवा हैं अभी इस उम्र में, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है, कभी कभी शर्म आ जाती है ऐसे लोगों को देख करके कि देखो ये है युवा, ये है काम करने का जज्बा, रात दिन लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब इतना काम करते हैं, वो उनके बारे में कभी पढ़िए, उनके बारे में सुनिए तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं करते हैं, और जबकि सारी सुविधाएं सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। तो क्या है ना कि ये लोग जो है ना जीवन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। तो आज चूँकि आज उनका अंतिम यात्रा का दिन भी है, और मैं तो बहुत विचार कर रहा था कि जाऊंगा अंतिम दर्शन करने, लेकिन देखते हैं यदि यहाँ से बनता है प्लान तो मैं तुरंत ज़रूर जाऊंगा, यदि संभावना मिल पाए कि देखने को मिलेगा उन्हें। और
कुछ नहीं, ऐसे लोगों के लिए यही हो सकता है कि सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है, हम 4 मिनट 5 मिनट के लिए मौन हो सकते हैं या फिर कॉन्डोनेंस, ऐसे नहीं होता। ऐसे लोग ये चूंकि हमेशा काम करने वाले लोग हैं, तो मेरे हिसाब से इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि इनके जो सदविचार हैं देश को लेकर, जो इनकी हमेशा सोच रही है, उस सोच को हम अपने अंदर रखें। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जो बात है ये सिर्फ जुबान तक सीमित ना रहे, क्योंकि बहुत जगह अब ये क्या हो गया है ना, जब से सोशल मीडिया आया है तब से बिस्तर के अंदर बैठ करके जो भारत माता की जय हम लगाते हैं वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे बहुत शर्मनाक हो चुकी हैं। आप उसके अंदर नफरत भी फैलाते हैं। अभी मैं देख रहा था सुबह से सोशल मीडिया में बहुत गुस्सा लग रही थी, कभी कभी कमेंट आप पढ़िए, कमेंट में जो नीचे चलता है ना, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आज तक है, आज तक का कभी देखे, उनका लाइव चल रहा था, सभी लोग अभी अंतिम दर्शन के लिए गए हुए हैं, तो बहुत अजीबोगरीब कमेंट भी आ रहे थे उसमें। ये सब सोशल मीडिया, बिस्तर के अंदर वाले राष्ट्रभक्त हैं, तो वो बहुत सारी अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या है कि मेहनत करें, इनके विचारों को आगे तक पहुँचाएँ, ठीक है, यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। जो इनकी सोच थी उसको आगे ले चलें, कुछ शिक्षाएं इनको अपने अंदर ग्रहण करें। जैसे सुषमा जी से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखा, सुषमा जी बहुत मेहनती थी, बहुत कार्य करती थी, इतना मतलब भाषा को लेकर उनकी पकड़, उतनी अच्छी पकड़ उनकी हिंदी को लेकर थी, उतनी अच्छी पकड़ उनकी संस्कृत को लेकर थी, उतनी अच्छी पकड़ उनकी इंग्लिश को लेकर के थी, कई भाषाओं को पकड़ती। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होती है एक स्नेह की भावना, इतने बड़े पद पे पहुंचने के बावजूद भी उसी ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात। सादगी देखिए, जीवन बिल्कुल सादा समादा, तो ये इनके लाइफ स्टाइल से कुछ सीख लें तो ही है, हमने कुछ दिया इनको, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। 4 दिन बाद चीज़ें लोग भूल जाते हैं, चीज़ें स्लोगन में बदल जाती हैं, ये कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है अब दिखावा, अब ये आज की संस्कृति में दिखावा चालू हो चुका है, आप स्लोगन में बदल जाइए। लोगों क्या कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है 4 चंद लाइनें लिख दी गई, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं दे पाओगे आप किसी को। बात ये है कि उसकी लाइफ से सीखिए जो आपको इंस्पायर करे, और ये इंस्पायरिंग पर्सन है ये लोग, इन्होंने इंस्पायर किया है, लोगों के जीवन में बदलाव किए हैं, सकारात्मक बदलाव किए हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित किया, एक संसद के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, और सबसे बड़ी एक समाज सेविका के तौर पर। तो कहीं ना कहीं पे हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे राष्ट्र के ऐसे लोग जो हमारे राष्ट्र को लेकर के हमेशा चिंतित रहे हैं, इनके प्रति हम सबसे पहले कृतज्ञता का भाव रखें, हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। दूसरा, इनके जीवन से कुछ सीखें, मेहनत करें। अभी तो हम लोग बिल्कुल युवा हैं, कर्मठ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो इतनी मेहनत करें कि हमारे अंदर भी कभी वो गुण आ सके कि हम भी राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो वास्तव में दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सके, तब तो कुछ है, तब तो हम कुछ कर पाए, नहीं अन्यथा। कि देखिए लाइफ में क्या है ना, बहुत सारे विकल्प हैं, लाइफ में एक विकल्प ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, कल के दिन कुछ नहीं, अपने आप में ही लोग, कितने लोग हैं, डेली लोग पैदा हो रहे हैं, डेली लोग मर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो मर रहे हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं, रीज़न ये क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जीवन जिया, उसने कभी दूसरे के जीवन को प्रभावित नहीं किया, ठीक है। तो आपको बनना चाहिए कि आप दूसरे के जीवन को प्रभावित करें तो बेटर है। यदि दूसरे के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता आप नहीं रखते तो आप अपने जीवन में कुछ भी करके नहीं जा रहे हैं। तो विचार कीजिए इस विषय पर, और एक बड़ी सोच रखिए कि जीवन में जब मैं जाऊंगा, अंतिम घड़ी मेरी भी आएगी, तो कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि समाज के लोगों को ये लगे कि हाँ मैंने कुछ इस समाज को दिया, लोग मेरे प्रति दृढ़ कर्तव्य कृतज्ञ रहे, ठीक है। तो शोषणकारी और दुनिया भर की जो एक गंदी सोच है इसको हम अपने दिमाग से निकाल दें, यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बाकी 4 बातें आप सोशल मीडिया में बोल दीजिए, कुछ कर दीजिए, इनसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सिर्फ महज एक कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को मानते हैं तो उसको अभिव्यक्त कर दिया। जैसे ईश्वर को मानते हैं तो हिंदू होने के नाते मैंने तिलक लगा लिया अपने धर्म के नाते, मुस्लिम होने के नाते मैंने टोपी पहन ली, है ना, या फिर जो ये सिंबॉलिक है, सिंबोलिज्म है, इसमें कुछ है नहीं, इससे कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या है कि मैं चूंकि मानता हूँ। अब जैसे मैं ईश्वर को मानता हूँ तो मैं प्रार्थना कर लूँ या नमाज पढ़ लूँ तो ये दिखा दिया कि हाँ मैं मानता हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं कि जो आदमी नहीं करता वो नहीं मानता होगा, वो भी सच्ची श्रद्धा रखता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चाहिए कि आप अपने इनको कर्मों में तब्दील करिए तो ठीक है।
आप चार अच्छी बातें लिख देंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, ना आपका ना किसी चीज का। राष्ट्र अब बदल रहा है, बहुत सारी चीजें अब देश के अंदर आप ऐसी प्रवृत्तियां देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक बहुत बड़े स्तर का आइसोलेशन आ रहा है। हर चीज जो है ना आइसोलेट हो रही है, हर चीज में मूवमेंट आ रहा है, लोगों की विचारधारा बदल रही है, थिंकिंग प्रोसेस बदल रहा है। रीजन ये है कि हम 70 साल के एक परिपक्व देश में बदल चुके हैं। देखो मनुष्य की जो लाइफ है ना, हम लोग क्या है 9 महीने गर्भ में रहे, इसके बाद हम आए 2-3 साल बाद चलने लग गए, इसके बाद जो है मस्तिष्क का विकास होना चालू हुआ, एक समझ आ गई। मुझे लगता है कि 5वीं 6वीं के बाद बच्चा समझने लगता है, समझ कुछ बच्चों अब आज के बच्चों में तो बहुत पहले से ही समझ आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा परिवेश उन्हें मिलता है। राष्ट्र को समझने में टाइम लगता है, राष्ट्र के विकास में टाइम लगता है। ऐसे अमेरिका जैसा एक डेवलप कंट्री जो है, रीजन ये है कि उसने बहुत लंबा टाइम दिया। यूरोप है, यूरोप तो बहुत लंबे समय से ही चला आ रहा है। तो आज भारत एक 70 साल में एक परिपक्व मेच्योर्ड कंट्री के रूप में तब्दील होने जा रहा है, और इस मेच्योरिटी को हम देख सकते हैं हमारी हर चीज में। देख लीजिए, अब आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते किसी भी तरीके से, जनता बहुत समझदार है। बहुत अभी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा जो गहमा गहमी में था आपका अनुच्छेद 370, निश्चित तौर पे सब चाहते थे कि अनुच्छेद 370 जो भारत में एक विभाजनकारी रेखा बन के खड़ा हुआ है, आप देख रहे थे एक बहुत बड़ा विभाजनकारी रेखा बन चुका था। रीजन कैसे, विभाजन कैसे था, देश एक था लेकिन एक ही देश में दो अलग अलग पृथक पृथक संविधान चल रहे हैं। बताइए, एक देश है दो पृथक पृथक संविधान चल रहे हैं, एक ही देश है पृथक पृथक झंडे चल रहे हैं, एक ही देश है जहां पर आप जा करके ना निवास कर सकते हैं, ना बस सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। एक देश है जिसको जो बहुत ही सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ कैप्चर चाइना कर चुका है, कुछ पाकिस्तान कर चुका है, कितना ज्यादा सेंसिटिव कंट्री है इंडिया के लिए। अफगानिस्तान की भी बॉर्डर लगती है वहां से, बगल में पूरा जो मध्य एशिया बिल्कुल नजदीक है वहां से, KTTT मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिर्किस्तान, बिल्कुल बगली में सब ये जितनी कंट्री है, आतंकवाद का गढ़ है वहां पे पूरा का पूरा। तालिबान को देख लीजिए, क्योंकि वो रीजन जो है ना कोल्ड वार में बहुत ज्यादा आइसोलेट रहा, जब कोल्ड वार हुआ, शीत युद्ध हुआ, तो शीत युद्ध में उस रीजन को बुरी तरीके से जो साम्यवादी और पूंजीवादी शक्तियां, उन्होंने उसका उपयोग किया एशिया के अंदर। और उस रीजन में जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट जो भारत की आजादी के बाद बना, ठीक है मैं कहता हूं चलो अनुच्छेद 370 जिसने दिया तो दिया, लेकिन एक सही समय आना चाहिए जब सबको खड़े होके, या फिर जम्मू कश्मीर स्टेट को भी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर स्टेट को लग रहा था कि अनुच्छेद 370 के कारण उनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन निश्चित तौर पे सही ये है कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई जितनी भी योजनाएं उनका 0% लाभ उसने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया बता दें, क्या डेवलपमेंट है आज जम्मू कश्मीर भाई? चलो अनुच्छेद 370 देने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य बहुत विकसित बन गया हो, महाराष्ट्र से ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया हो, तो एक बार सोचा जा सकता है कि हाँ भाई बहुत कुछ मिला इसको 370, और 370 और जगह देना चाहिए और स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। मिला क्या वहाँ पे? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार के प्रति रोजगार लेने के लिए सीमा पार जाते हैं, सीमा पार पे जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगे हुए हैं, जहाँ पे देश के खिलाफ भड़का के उन्हें मानव बम में तब्दील कर दिया जा रहा है, आते हैं अपना जान न्यौछावर करते हैं, अपने माता पिता के जीवन को भी खत्म करते हैं, राष्ट्र के लोगों को भी खत्म करते हैं। तो एक भटकाव वहां के युवाओं में जो आया वो अनुच्छेद 370 के कारण आया। यदि अनुच्छेद 370 नहीं होता तो भारत सरकार इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो एक बॉन्डिंग बन जा रही थी कि विधानसभा की जी, क्योंकि विधानसभा में बैठा कौन है, वहां के लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग चूंकि नहीं चाहते, उनकी एक पॉलिटिक्स क्रिएट हो रही है। राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में जब आप पहुंच जाते हो ना तो राजनीति स्वार्थ की चीज है, बहुत कम लोग हैं जो आकर परमार्थ करते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं पर वहां के लोगों को जो भटकाव किया गया, फाइनली बहुत बड़ा डिसीजन देश में आया, बहुत बड़ी प्रतिबद्धता भी चाहिए थी इसको, वोट बैंक की राजनीति से उठकर, धर्मगत राजनीति से उठकर, बहुत बिल पावर वाली गवर्नमेंट जो होती वही ये काम कर पाती, और निश्चित तौर पे इस सरकार ने ये चीज को दिखाया और अनुच्छेद 370 गया। बात ये नहीं कि कश्मीरी युवा क्या सोच रहे होंगे, कश्मीरी युवा जो सोच रहे होंगे वो सरकार सोच रही है। कश्मीरी युवा क्या चाहता है, यही चाहता है ना जो देश का अन्य युवा चाहता है। मैं भी एक युवा हूँ, युवा होने के नाते हम यही चाहते हैं ना कि हमें रोजगार मिले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोजगार मिलेगा तो मेरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मुझे भोजन मिलेगा, मुझे एक स्टेटस मिलेगा, मैं मेन स्ट्रीम में रहूं। कौन चाहता है कि मैं हथियार लेकर घूमता रहूं किसी के खिलाफ, कौन चाहता है बताइए, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। और देश में आज हमारे 28 स्टेट, 29 स्टेट
रन कर रहे थे, अब 28 हो गए, जम्मू कश्मीर चुके कि स्टेट नहीं रहा, तो 29 स्टेट जो आपके रन कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, क्या वहां पे रोजगार नहीं क्रिएट हो रहा? हो रहा है, खूब अच्छे से हो रहा है, खूब बढ़िया से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ठीक है, बेरोजगारी दर ज्यादा है, नो डाउट, रीजन है क्योंकि हमारे देश में कभी भी हमारी सरकारों ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया कि जो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना के रख दिया। कभी भी एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा नहीं बनाया कि उससे रोजगार सृजन हो सके। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना है जिससे रोजगार सृजन हो, लोग एंटरप्रेन्योर बन सके, लोग अपने उद्योग बन सके, उद्यमी बन सके, वो सब चीजें हमें डेवलप करनी थी। अब वो जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता था। रीजन क्या था? बहुत सारे प्रोग्राम है भारत सरकार के, कौन सा प्रोग्राम वहां लागू होता है, लागू होने में कितना टाइम लगा देते हो आप? हर स्टेट को करोड़ों रुपया मिल जाता है बजट में, लेकिन आपको नहीं मिल पाता। तो रीजन बिहाइंड इट कि कहीं ना कहीं पे अनुच्छेद 370 एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हो गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ एक कारण से अब तक अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा था, वो था टूरिज्म इंडस्ट्री, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। वहां पे पहाड़ी स्टेट अकेला नहीं है जम्मू कश्मीर, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा पहाड़ी है ना, हमारा उत्तराखंड पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी है, और सबको स्पेशल स्टेटस दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया, और जम्मू कश्मीर को भी दिया जाएगा क्योंकि उसकी सामरिक स्थिति ऐसी है, उसका जो रहन सहन वहां पे जो पहाड़ी हिली एरिया है स्पेशल स्टेटस है उसको, अभी भी है। लेकिन अब जो चीजें होंगी निश्चित तौर पे अगले 5 साल 10 साल बाद तस्वीर बदलेगी। एक छोटा सा बच्चा वहां पे पत्थर उठा के देश के सैनिकों को मार रहा है, उसे स्कूल नहीं जाना, उसे पत्थर उठा के सैनिकों को मारना है। इन सब मुद्दों पे कभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि विल पावर चाहिए ना, इन चीजों में हिम्मत चाहिए। तो वो सब जो चीजें आज हम सामने देख पा रहे हैं, अब देखिए एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट होने के नाते आपको इसमें 3-4 पहलुओं पे गौर करना है। पहला पहलू ये है कि ये धारा लाई क्यों गई, रीजन क्या है इसके पीछे का, यानी एक हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद इस जो धारा ने दिया क्या, इसका क्या रिजल्टेंट निकला, कंक्लूजन क्या निकल के आया, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, देखो प्रश्न तो बनने ही है, इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, आपके मेंस में भी पूछे जाएंगे। और तीसरी बात जो यहां से निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी कि इसको हटाने की प्रक्रिया क्या थी, एक तो प्रक्रिया आएगा और दूसरा हटाने का कारण क्या था, क्यों हटाना पड़ा इसे, किस प्रक्रिया के तहत इसे हटाया जा सकता था। और अगला क्या है कि अब जैसे अभी आप बहुत इस समय बवाल कटा पड़ा है कि यूनाइटेड इसको आपने यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, आपको चाहिए था कि इसको एक पूर्ण राज्य बना देते। कल मैं सुन रहा था एक, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लद्दाख से चुन के आते हैं, सांसद थे लद्दाख के, 34 साल के युवा थे, ठीक है, बोलने बहुत अच्छे वक्ता लग रहे थे मुझे, वो बोलने में बहुत प्रभावी वक्ता थे, बहुत बढ़िया से उन्होंने बातों को रखा और उसकी सराहना भी की गई, अच्छी बात है। देखिए क्या है ना कि देश में कभी कभी कैसे ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, जैसे लद्दाख को अभी अलग करके एक अलग से यूटी बना दिया गया, लद्दाख का स्टेटस दिल्ली वाला स्टेटस नहीं है। यूटी भी दो प्रकार की हैं, कुछ ऐसी हैं जो विधानसभा सहित हैं, कुछ ऐसी हैं जो विधानसभा रहित है, जैसे चंडीगढ़ हो गई आपकी, जैसे अंडमान हो गया, जैसे आपका दमन हो गया है ना, जैसे आपका दादरा नगर हवेली हो गया, तो लद्दाख को भी उसी क्षेत्र में रखा गया है। बात यह है कि अब कोई कहता है कि यूटी में कुछ नहीं होगा, यूटी में जो डेवलपमेंट है कहीं है, आप जाके चंडीगढ़ देखिए क्या डेवलपमेंट है वहां पे। लेकिन चंडीगढ़ को यूटी बनाने का रीजन क्या था, क्योंकि दो स्टेट की राजधानी बनानी पड़ी, उसे नहीं हो पाई चीजें। हैदराबाद था, हैदराबाद में भी यही चीजें निकल के आ रही थी क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनती, लेकिन वो संयुक्त राजधानी बन तो जाती लेकिन उसका जो एरिया था हैदराबाद, चूंकि कहीं ना कहीं पे हैदराबाद आंध्र प्रदेश से नहीं जुड़ता है, वो तेलंगाना के बिल्कुल सेंटर में अवस्थित है, तो लद्दाख को इस समय यूटी बनाने के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। मैं इस विषय पे पूरा एक सेपरेट टॉपिक लूंगा करंट अफेयर्स में, चूंकि ये ज्वलंत इशू है। मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा, कल एक क्वेश्चन भी मैंने मेंस का दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश की संवैधानिक स्थिति क्या है। अब इसमें चाहिए था कि आप भारतीय संविधान को खंगाल लेते और भाग 8 को देखते और उस भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली को लेकर के क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या चीजें हैं, क्या यूटी है, क्या उस पर किस कारण से बनता है, कहाँ पे उसका प्रशासक क्यों नियुक्त होता है, कौन नियुक्त होता है। हर जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, हर जगह एलजी नहीं है, कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है,
है ना। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आज का चूंकि ऐसा समय है, ऐसा दिन है, मैं इस चीज़ को लेके सोच रहा था कि आज ही चर्चा करूं, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, आज इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी समय देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी, अभी हो सकता है कि आपको बहुत कुछ और सुनने को मिले, बहुत कुछ अभी आपको सुनने को मिलेगा, देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर के बड़ी, जो बिल्कुल उनको पता है, उनको क्लियर है कि भाई 70 साल तक यदि चीज़ों को आप झेलते चले आ रहे हो, कब तक झेलते, ये तो होते वोट बैंक की राजनीति कि चीज़ों को मुद्दों को बना के रखो ताकि मुद्दे बने रहेंगे तो चुनाव में काम आएंगे। अब क्या हो रहा है, मुद्दे खत्म हो रहे हैं पूरी तरीके से। या फिर एक मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये देखूँ तो मिलेंगे तो वास्तव में हम लोग आगे चल के कृतज्ञता दिखाएंगे इन चीज़ों को लेकर के, हर चीज के दूरगामी परिणाम है। अब इसको आके देखना है कि आगे होता क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जब राष्ट्र देश के 29 राज्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सारी यूनियन टेरिटरी अच्छे से चल रही हैं, तो जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये रोज जो हम देखते हैं कि कारगिल में आज सीज फायर हो रहा है, ये हो रहा है, अरे एक बॉर्डर थोड़ो ना लगी हुई है, एक बॉर्डर लगी हुई है क्या कश्मीर से, बताओ, एक बॉर्डर लगी है, गुजरात नहीं लगा है पाकिस्तान से, वहां उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, राजस्थान नहीं लगा हुआ है, पंजाब नहीं लगा हुआ है, कश्मीर अकेली बॉर्डर लगी हुई है। और कोई यदि कहे कि भाई कश्मीर के चैलेंजेस ऐसे हैं, ये है वो, कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या है कि गवर्नमेंट वहां पे वो सारी चीजें जो है अब खत्म होंगी निश्चित तौर पे, क्योंकि अब भारत सरकार का डायरेक्ट उसमें बहुत सारी चीजें होती है। देखिए पहला तो होता है कोऑर्डिनेशन, स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन, यूटी बना, अब बनाने का रीजन ये है कि अब केंद्र सरकार के डायरेक्ट अंडर में आ गया वो, ठीक है। इससे क्या होगा कि राज्य के साथ जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा था वो अब खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों, अब सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेज वर्क करेंगी, खुफिया विभाग आपका, बहुत सारी चीजें हैं, अब उस पर इंटेलिजेंस वगैरह पे काम करेंगे, वो अलग मुद्दा है। रही बात राष्ट्र के युवाओं, वहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं की, तो उनको जैसे ही रोजगार मिल जाएगा, देखो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं भाई इन खुराफातों को सोचूं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन खुराफातों को सोचें, रीज़न ये है कि हम एक काम पे एक्टिव हैं, बिजी हैं, मेरे पास कुछ काम नहीं होता, मैं बेरोजगार बैठा होता, मेरे घर पर ऐसी कंडीशन होती कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते एक बम का गोला ग्रेनेड आके गिर गया, मेरे पिताजी का पैर लेके उड़ गया, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी तो ग्रेनेड उठा के किसी के ऊपर फेंकने ही जाऊँगा ना। तो जब ये अनिश्चितताओं का वातावरण किसी भी जगह पे होता है तो वहां के युवा अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे घर में कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, घर में दहचाल मची हो, अभी आपके बीच में ही एक स्टूडेंट थे, अभी उनके घर में एक मुद्दा आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, वो मुझसे आके मिले कि सर ऐसे ऐसी दिक्कत है। तो जब कभी भी आपके घर में किसी तरीके की उलझन होती है, प्रॉब्लम होती, कुछ होती है, आप पढ़ोगे, आपका दिमाग की संतुलन खराब हो जाएगा। वही जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ था, लोगों ने बरगला, बरगलाना बड़ा आसान काम है, ब्रेन वॉश करना कितनी बड़ी बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है, ब्रेन वॉश तुरंत किया जा सकता है किसी भी चीज़ का, हर चीज़ में ब्रेन वॉश के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी है, आपकी विचारधारा को तोड़ मरोड़ के दूसरी विचारधारा को आपके अंदर भर देना, ठीक है। हमें हमारी एक ही विचारधारा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए राष्ट्र के विकास की विचारधारा, कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, और जिस चीज़ से भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है वही इशू हमें चाहिए, उसी चीज़ को हमें पकड़ना है, और बाकी हमसे मतलब नहीं है कि ये किसकी विचारधारा है। दुनिया भर के लोग करें, हिंदुत्व की विचारधारा देश में थोपी जा रही है, ये थोपी जा रहे, वो थोपी जा रहे, अरे आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ये बताइए, क्या भी क्या अल्टरनेटिव है, और देश में कौन सा वर्ग है जो अपने आप को पीड़ित समझ रहा है। बस रीजन ये है कि जो चंद लोग हैं वो एक क्या करें, एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, डराने का माहौल, कुछ नहीं होता, बहुत इजीली होता है। अभी देखा आपने जम्मू कश्मीर में जब ये पूरी घटनाएं होने लगी, वहां से यात्रियों को बुलाना पड़ा, देखो क्या होते हैं ना, गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस ये सब जितने भी विभाग होते हैं ये सब एक तरीके से काम करते हैं, इनको पता है कि कैसे चीज़ों को सिचुएशन को हैंडल करना है, सिचुएशन कभी पैनिक में क्रिएट ना हो जाए, कुछ चीज़ें ना हो जाए, इसलिए बहुत ईजिली वर्क करना पड़ता है, और बहुत आसानी से मामला हो गया सॉल्व, देखिए कुछ नहीं हुआ, चीज़ें बिल्कुल शांत हो गई। लेकिन अब जो लोग नहीं चाहते या जिनका वहां से रोटी रोजी जिनकी जा रही होगी उनको तो दर्द हो गई, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्वलंत इशू है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 370 अब नहीं रहा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग। अब चूंकि राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी सिग्नेचर होने में चंद सेकंड ही लगेंगे पास होकर के एक प्रॉपरली, तो अब आपके देश में 28 राज्य हो जाएंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले हैं। तो अब इसको लेकर के एक प्रॉपर चर्चा होगी। हाँ, कुछ विषय हैं जो इस पर पढ़ने हैं हमें, जैसे अनुच्छेद 3 हमें पढ़ना है भारतीय संविधान का, ये भी जिंदा हो गया, ये भी पूछा जाएगा आपका कि अनुच्छेद 3 क्या है। भारत का यदि कोई राज्य है और उस राज्य के अंदर जो बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं, ठीक है, भारत के अंदर यदि कोई राज्य है, उस राज्य की बॉर्डर को परिवर्तन करना है, उनके सीमाओं को परिवर्तित करना है, उन एक राज्य को विभाजित करके दो राज्य बनाने हैं, दो राज्यों को एकीकृत एक राज्य बनाना है, या फिर उस राज्य का नाम परिवर्तन करना है, उसके लिए अनुच्छेद 3 अप्लाई होता है। और उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया दी गई है कि जब कभी भी संसद के द्वारा ये प्रक्रिया की जाएगी कि किसी राज्य के सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन या फिर विलय किया जाएगा, तो उसके लिए प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रक्रिया क्या है, पहले एक बिल जो है, एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल, एक वो जाएगा वहां की विधानमंडल के पास, और उस विधानमंडल के पास जाने के बाद क्या किया जाएगा, वहां पे बहस किया जाएगा, वहां पे डिस्कस किया जाएगा। ये काम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक चीज और, संसद में कभी भी किसी भी राज्य के बंटवारे को लेकर के, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन को लेकर, किसी भी राज्य के किसी भी विषय को लेकर के, हमेशा प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब प्रपोज करेंगे, वो अनुमति प्रदान करेंगे, तब आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अनुमति देने से पहले राष्ट्रपति एक बार उस राज्य के विधानमंडल से पूछेंगे, वहां पे बहस होगी, हो सकता है वो राज्य का विधानमंडल बात को मना कर दे कि भाई हम ये प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते जो संसद करने जा रही है, या फिर हो सकता है कोई एक्सेप्ट कर ले। यदि वो नकारता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाध्य नहीं है कि वो उस प्रपोजल को हां माने या ना माने, फिर अपने तरीके से काम किया जा सकता है, ठीक है। और भारत में प्रधानमंत्री का मतलब मंत्रिमंडल, कैबिनेट, और कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री। मोटी मोटी बात है, संसदीय शासन प्रणाली में बैठे हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का पूरी पूरी जो शक्तियों का वास्तविक कार्यपालिका के तौर पे कार्य करते हैं, वो देश की मंत्रिपरिषद काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल काम करती है। तो ये भी एक बहुत ज्वलंत इशू है, इस पे भी अनुच्छेद 3 पे भी बात करेंगे, अनुच्छेद 370 पे भी बात करेंगे। अनुच्छेद 371 को कुछ लोगों ने उठा दिया कि अरे आप इसे भी खत्म करने वाले, उनसे पूछो कि इधर आओ, अनुच्छेद 371 बताओ क्या होता है, बताओ क्या है उसमें, क्या क्या लिखा है, नहीं बता पाएंगे। किसी ने बता दिया कान में कि 71 भी अस्थाई, अरे वो भी अस्थाई में लिखा गया है, उसको भी रखा गया है। अब अनुच्छेद 371 में बहुत सारे स्टेट हैं जिनके कुछ कुछ रीजन्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसमें सिक्किम आता है आपका, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्तर पे वो दिया गया, उनको स्पेशल स्टेटस, विशेष अधिकार दिए गए हैं कुछ। अब चूंकि प्रोपेगेंडा फैलाना है, अरे मुद्दा 370 का है, कहाँ जा रहे हो 71 में भाई, है ना, पहले 70 तक सीमित रहो। तो क्या है ना कि कहीं ना कहीं पे ये सब पॉलिटिक्स की चीज़ें, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये एक तरीका होता है अपने फेवर्स को बनाने का। कुछ लोग पीओके को लेकर के आ गए इसमें, पाक अधिकृत कश्मीर को, कि ये आपका जो है इसके अंदर है कि नहीं है, बताइए। वो आज तक कन्फ्यूजन में थे, इतने लंबी अवधि तक उन्हें पता ही नहीं था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये मतलब बहुत बड़ा। कल मुझे जब सदन में चर्चा हो रही थी तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं कि पीओके को मान बैठे हैं कि किसी और को चला गया। अरे भैया, भारत की आज़ादी के बाद से आज भी वहाँ पे 24 सीटें हमने खाली क्यों छोड़ी हैं कि जब पीओके में भारत का कब्जा होगा या भारत के अंदर पूरा आएगा, पूरा नहीं है, ये बात सत्य है, पाक अधिकृत है, पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, तो 24 सीटों में चुनाव कराएंगे, अभी नहीं है तो 24 सीटें खाली पड़ी हैं, भरी जाएंगी, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर जंग नहीं करेंगे। जंगें हुई हैं, 3 जंगें हुई हैं देश में, और तीनों जंगों का रिजल्टेंट भी हमारे पक्ष में रहा है। हम चाहते तो पाकिस्तान से कश्मीर ले लेते, 90,000 सैनिकों को हमने बंधक बनाया था 1971 में, लेकिन हमने नहीं लिया। 1965 के वार में लाहौर तक चले गए थे, ताशकंद समझौते में हमने नहीं लिया। हम अपने तरीके से लेंगे, बायलेटरल इश्यूज है उसको हम क्रिएट करके लेंगे वो पाकिस्तान से वो, लेकिन आप अभी से ये सब कौन सी बातें आप बहकी बहकी कर रहे हो। आप तो 370 पे बात करो कि भाई वहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट पे काम करना चाहिए। लेकिन फाइनली चलो पारित हो गया है, प्रेसिडेंट का वो भी आ जाएगा, हट गया, काम खत्म।
तो बहुत जल्द कश्मीर का जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट भी आज़ाद इस अकेडमी पढ़ने वाले हैं और आप लोग भी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरने वाले हो निश्चित तौर पे, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेंगी वहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है प्रॉपरली, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इशू आपके फेवर में भी है, तो हाँ बिल्कुल है, छात्रों के हित की बात है, सबके फेवर में होती है। तो प्रॉपरली अब जो है आपको इन इश्यूज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करनी है। देखो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो क्लास में आपके नहीं होते हैं, लेकिन इन इश्यूज़ को आपको रिसर्च करनी है। आपके सिलेबस में दिया गया महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक टॉपिक दिया गया है। आज मैंने सबसे पहले सुषमा स्वराज जी का, चूंकि आज है ना वो नहीं है, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर उनके बारे में भी जानना है। सारी चीज़ें आपके पास तुरंत आना चाहिए, उनके द्वारा जितनी भी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं देश की। और दूसरा इशू ये, तो ये सब चीज़ों को भी आपको समझना है, ये दिमाग खोल के रखिए, अवेयर करके रखिए, और इन चीज़ों पे प्रॉपर आपके पास कलेक्शन होता चला जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आज सेशन प्रारंभ करता हूँ मैं। ठीक।